सो यस, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन बाय आईटियंस। सो गाइस, आई होप आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, आपके एचपीसीएल की तैयारी काफी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारे बीच एक ऐसे कैंडिडेट है, मिस बिपाशा, सॉरी। तो इनका इन्होंने जीटी भी क्लियर किया है, इन्होंने एचआर में जाकर फंस गई है। ओके, शी वॉज नॉट बीन इन टू मेडिकल। तो बिपाशा, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस था और क्या आपका जीटी का टॉपिक था। फिर हम उसी जीटी टॉपिक को हम लोग आगे एक्सटेंड कर लेंगे, उसी का ग्रुप टास्क होगा आज। ओके, तो ओवर टू यू बिपाशा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एचपीसीएल का, क्या गेन किया आपने और कितना फायदा मिला था आपको, है ना, यहाँ पे जीटी करने से और वहां पे जीटी करने में क्या डिफरेंसेस है, ये भी थोड़ा बताना, ठीक है। ओवर टू यू बिपाशा। तो सर, स्टार्ट ऐसे हुआ था कि पहले तो हमको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और फिर हमें जब कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया तो एक पेपर पे वो जीटी जो था, ऐसे कोई कंपनी थी जो कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई है, बहुत बड़ा बिजनेस है। उनने 3 क्वेश्चन किए थे और वो बहुत बड़ा लॉन्ग टॉपिक था। तो हम लोग आई थिंक लाइक 7-8 मेंबर्स थे। स्टार्ट मैंने किया एंड देन वी स्टार्टेड, तो सबने अपना अपना इनपुट दिया, बस 2 लोगों ने अपना कम इनपुट दिया था तो उनको सिलेक्ट नहीं किया था। बाकी बहुत ही हार्मोनियसली हो गया था, सब अपना अपना इनपुट दे रहे थे, बट बोलना बहुत इम्पोर्टेंट था। 2 लोगों ने नहीं बोला या वो बोलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत इजी टॉपिक था, वो कवर हो जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड था, तो कुछ ज्यादा नहीं था डिफिकल्ट। बोलना बहुत जरूरी है उधर पे, और इंग्लिश हिंदी कुछ मैटर नहीं करता है, वो तुम्हें सिर्फ बोलने के उस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर अब तुम नहीं बोल रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उधर। और फिर उन इजीली हुआ था जीटी, तो बहुत इजीली हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने हमें वापस भेज दिया और तुरंत 5 मिनट बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया, और जिनको उनको वापस भेजना था 2 लोगों को उन्हें वापस भेज दिया। फिर एचआर स्टार्ट हो गया था, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। तो इंटरव्यूज में दे वर लाइक, उन्हें इंट्रोडक्शन पूछा, उन्होंने प्रोजेक्ट पूछा, तो उन्हें प्रोजेक्ट रिलेटेड मेरे को आंसर्स पता थे। तो ही वॉज लाइक कि तुम बाहर बैठकर इस बारे में रीड कर रहे थे क्या? तो मैंने बोला नो सर। तो कहते अच्छा तुम्हें इस बारे में पता है प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं नहीं पूछता हूँ। फिर दे स्विच टू अनदर टॉपिक, और फिर उन्होंने मुझसे मेरे रेज्यूमे रिलेटेड और जो भी मैंने DAF में भरा था उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन किए। तो ज्यादा कोई टफ नहीं था और टेक्निकल भी ज्यादा नहीं पूछा उन्होंने, तो बहुत ही ईजिली था। बस वहां पे ऐसा था कि 23 स्टूडेंट्स थे, अब उनको कोई भी साइट सेलेक्ट करना है तो इट्स लाइक तुम्हें तो अपना बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो ऐसा है कि उनकी मूड पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ये पसंद कर लिया अब तो इसी को उठाना है। और बाकी मार्गदर्शन से बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लाइक बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मैंने देखी है। पहले मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, आपने देखा होगा सर, आपने शुरुआत में मेरा पहला लिया था PI और पहला EJT आपने भी लिया था, तो आपको पता होगा कि पहले तो मैं कम बोलती थी, अब मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो थैंक्स टू यू, आपके इस प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत हेल्प हुई और आई कुड परफॉर्म वेल, इवन दो आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, बट आई हैव द सैटिस्फैक्शन जी कि अच्छे से परफॉर्म किया, आई प्रिपेयर्ड एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल, दैट्स इट। ओके, फाइन बिपाशा। तो अब मुझे बताना, जैसे ऑनलाइन में हम लोग जैसे जीटी कर रहे थे, और वहां पे ऑफलाइन में इसमें क्या अंतर था? सर इधर पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं थोड़ी बहुत, के ग्लिच हो जाते हैं, इंटरनेट इश्यूज, वहां पे बिल्कुल ग्लिच नहीं था और कोई किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा था, आराम से बहुत ही हार्मोनियसली चल रहा था, बहुत ही पीसफुली सब लोग, हम लोग आपस में आई कांटेक्ट मेंटेन करके कर रहे थे। तो आई कांटेक्ट जब मेंटेन होता है और अपन को पता होता है कि सामने वाला कब पॉज लेने वाला है, तो अपन बोलना स्टार्ट कर दे। इंटरनेट इश्यूज के चक्कर में यहाँ पे ये नहीं पता होता है कि कब कौन पॉज लेने वाला है, वहां बहुत ही पीसफुली हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी हिचक और हेजिटेशन रहता है, वहां पे ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आपके सामने आती है ना, अपने आप पॉइंट्स बोलने में आते हैं, अपने आप सोल्यूशंस निकलने लगते हैं। बस जो लोग अपने आप को रोक रहे हैं ना बोलने से, वो बस फंस जाते हैं। जो बोल रहे हैं अच्छे से पीसफुली और हिंदी इंग्लिश का ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं अच्छे से कि हम अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो बहुत मतलब इजी चीज है। ठीक है बिपाशा, मेरे को ये बताना, जैसे जो बंदे जैसे रिजेक्ट हुए, तो रिजेक्ट होने का बोलने के अतिरिक्त और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो रिजेक्ट होते हैं जीटी में? एक तो अंडर कॉन्फिडेंस कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, तो वहां जाके क्या ही बोलोगे। प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आप प्रैक्टिस सेशन दे रहे हैं वो मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और हेलो, पर हेलो, एक मिनट, हेलो। म्यूट म्यूट ऑल। हाँ, यस, आई एम म्यूटेड। ओके, गो ऑन।
हाँ तो प्रॉब्लम्स अगर आप मतलब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रैक्टिस किए बिना गए तो वहां पे फिर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा कि अचानक सबके सामने बोलने लग जाएंगे, तो प्रैक्टिस द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके गाइस, तो आई होप आप सभी लोगों को क्लियर होगा कि क्या चीजें फेस करनी है क्या नहीं करनी है। और बिपाशा का ठीक है, अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर मेडिकल, बट यस इतना बढ़िया गेन कर लिया इन्होंने ताकि अब अगला कोई भी आएगा तो 100% शी इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड एंड शी वॉज डिजर्विंग कैंडिडेट। ओके, अब वो मूड के ऊपर है, लक के ऊपर है, उनका लक नहीं था तो अलग बात है। लक यहाँ पे मैटर करता है, लक फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर फेसिंग एनी इंटरव्यूज और समथिंग एल्स। ओके फाइन।